विक्रम चंद्रा का नॉवेल सेक्रेट गेम्स। नेटफ्लिक्स ने इसी नाम से वेब सीरीज बनाई, जनता ने मीम बनाए, खूब चर्चा हुई। सेक्रेट गेम्स जुर्म, धर्म और राजनीति के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन फिक्शन है, कल्पना है। तो अगर कोई असलियत में धर्म का खेल समझना चाहता है तो क्या करे? सेक्रेट गेम्स से मिलते जुलते नाम की एक और किताब है, एसेटिक गेम्स, इसको पढ़िए। इस किताब को लिखा है पत्रकार धीरेंद्र के झा ने, इसे छापा है वेस्टलैंड प्रकाशन ने। मैंने इस किताब में एक बढ़िया किस्सा पढ़ा। किस्से में गोरक्षा है, विश्व हिंदू परिषद है, एक साधु है और उसके साथ 1,00,000 से ज्यादा साधु हैं जो एक दिन पार्लियामेंट घेरने चले जाते हैं। बात शुरू होती है संविधान से। 1948-49 में संविधान डेवलपिंग स्टेज पर था। तय किया जा रहा था कि देश आगे किस रास्ते पर चलेगा। बहुत सारे मुद्दे संविधान सभा में बहसें चल रही थी। बहसों में एक बहस गोरक्षा के मुद्दे पर चली। एक तरफ नेहरू जैसे नेता थे, दूसरी तरफ परंपरावादी नेता। नतीजा ये निकला कि गोरक्षा को राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में जगह मिली। संविधान में नीति निदेशक सिद्धांत वैसे हैं जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में मार्गदर्शक मंडल होते हैं। नीति निदेशक सिद्धांतों में कानूनी ताकत नहीं होती, इनके दम पर कोर्ट में केस नहीं लड़ा जा सकता। ये बस मन रखने के लिए होते हैं, जैसे गोरक्षा पर मन रखा गया। लेकिन लोकतंत्र में मानने को कौन तैयार होता है? यहां तैयार सिर्फ चुनाव के लिए हुआ जाता है। तैयार एक साधु हो गया नेहरू के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। 1952 में देश के पहले लोकसभा चुनाव होने थे। फूलपुर सीट से खड़े होते हैं जवाहरलाल नेहरू। सारे हिंदुत्ववादी दल मिलकर अपनी तरफ से एक वैष्णव साधु को उतारते हैं। इस साधु का नाम था प्रभुदत्त ब्रह्मचारी। ये स्वतंत्रता संग्राम के बाद का दौर था। नेहरू बहुत ही ताकतवर नेता थे। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी बड़े मार्जिन से चुनाव हारे। 12 साल बाद 1964 में VHP यानी विश्व हिंदू परिषद बनता है और बनते ही फुर्ती में काम शुरू कर देता है। फुर्ती इसलिए कि 2 साल बाद इलाहाबाद में कुंभ होना था और कुंभ मतलब हिंदुओं का सबसे बड़ा जमावड़ा। VHP ने 1966 में कुंभ शुरू होते ही पहला विश्व हिंदू सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन को सफल बनाने पहुंचते हैं प्रभुदत्त ब्रह्मचारी। विश्व हिंदू सम्मेलन में अच्छी खासी भीड़ आई और भीड़ देखकर VHP का कॉन्फिडेंस इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया कि कोई 100-200 लेकर भी लैंड नहीं करा सकता था। अब परिषद खुद को हिंदुओं का समानार्थी स्टैब्लिश करने के लिए तैयार था और हिंदुओं तक पहुंचने के लिए सबसे आसान जरिया थी गाय। इसी साल VHP खुद को गौहत्या प्रतिबंध के कानून के लिए झोंक देने वाला था। 25 सितंबर 1966 को SGMS का गठन होता है। SGMS यानी सर्वदलीय गोरक्षा महाभियान समिति। और गैस कीजिए समिति का प्रमुख किसे चुना गया? प्रभुदत्त ब्रह्मचारी। समिति में विश्व हिंदू परिषद के अलावा RSS, हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद, आर्य समाज और भारतीय साधु समाज के लोग थे। और तो और इसमें कांग्रेस के परंपरावादी धड़े के लोग भी थे। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी की सरकार में गृहमंत्री गुलजारीलाल नंदा। कुंभ 12 साल बाद आता है, लेकिन गोरक्षा समिति को एक्शन में आने में 12 ही दिन लगे। 7 नवंबर को समिति के बुलावे पर 1,00,000 से ज्यादा साधुओं ने संसद को घेर लिया। मांग वही थी जिसके लिए समिति बनी थी, गौहत्या को बैन करने के लिए कड़ा कानून लाया जाए। ऐसा पहली बार हुआ था कि इतनी भारी संख्या में लोग संसद पहुंचे हों। मौके पर पुलिस पहुंचती है। भीड़ पार्लियामेंट और ऑल इंडिया रेडियो की बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने रोकने के लिए आंसू गैस और लाठियों का इस्तेमाल किया। इसके बाद भी जब भीड़ नहीं संभली तो पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। 7 लोगों की मौत हो गई, 140 से ज़्यादा घायल हुए। दोपहर को आर्मी बुलाई गई और कर्फ्यू लगा दिया गया। गोरक्षा समिति में भारतीय साधु समाज के सदस्य भी थे और भारतीय साधु समाज गृहमंत्री गुलजारी लाल नंदा के संरक्षण में चलता था। नंदा ने खुद को इस भसड़ से दूर रखने की बहुत कोशिश की। लोकसभा में खुद को बचाते हुए नंदा ने कहा, वो तो स्वामी रामेश्वरानंद का भड़काऊ भाषण था जिसने भीड़ को हिंसा में झोंक दिया, वरना साधु तो शांतिपूर्ण तरीके से गौहत्या विरोधी कानून की मांग कर रहे थे। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने नेहरू को चुनाव में चुनौती दी थी। इस बार सामने नेहरू की बेटी थी और जगह चुनावी मैदान नहीं संसद भवन थी। इंदिरा गांधी नई नई प्रधानमंत्री बनी थी। इसी साल जिस दिन VHP ने विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया था उसके 2 दिन बाद और संसद घेराव के 2 दिन बाद इंदिरा ने अपने गृह मंत्री को चलता कर दिया। अब हम भी चलते हैं। इसके बाद कैसे VHP साधुओं के बीच कमजोर होती है, फिर कैसे मजबूती पकड़ती है, ये जानने के लिए आप एसेटिक गेम्स पढ़िए। और बढ़िया किस्सों के लिए दी लल्लन टॉप का फेसबुक पेज लाइक कर दीजिए, हमारा यूट्यूब पे चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले खबरें पाने के लिए दी लल्लन टॉप का एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। टाटा।